भाषा एवं व्याकरण, चित्रों से सीखे क्रिया। आओ जाने क्रिया की परिभाषा। जिस शब्द से किसी काम का करना या होना मालूम हो उसे क्रिया कहते हैं। इसे एक बार हम फिर से समझ लें। जिस शब्द से किसी काम का करना या होना मालूम हो उसे क्रिया कहते हैं। प्यारे बच्चों, इन यहाँ पर दो क्रियाएं हो रही है, दो चित्रों में दो क्रियाएं हो रही है। तो आप बताइए इन चित्रों को देखकर कि यहाँ पर कौन सी क्रियाएं हो रही है। शाबाश, बहुत अच्छे। पहले चित्र में यहाँ पर लिखने की क्रिया हो रही है, काहे की क्रिया हो रही है, लिखने की। एवं दूसरे चित्र में पढ़ने की क्रिया हो रही है, काहे की क्रिया, पढ़ने की। अब हम आगे के चित्रों में देखते हैं कि वहाँ पर कौन कौन सी क्रियाएं हो रही हैं। प्यारे बच्चों, अब इन चित्रों को देखकर बताइए कि पहले चित्र में कौन सी क्रिया हो रही है और दूसरे चित्र में कौन सी क्रिया हो रही है। जी हाँ, पहले चित्र में रोने की क्रिया हो रही है और नीचे के दूसरे चित्र में तीनों बच्चों के द्वारा हंसने की क्रिया हो रही है। वेरी गुड। अब हम आगे के चित्रों में देखेंगे कि वहाँ पर कौन कौन सी क्रिया हो रही है। जी हाँ बच्चों, अब हमें यहाँ पर देख के बताना है कि इन दोनों चित्रों में कौन कौन सी क्रियाएं हो रही है। तो चलिए बताइए पहले चित्र और दूसरे चित्र में कौन कौन सी क्रियाएं हो रही है। वेरी गुड। जी हाँ, पहले चित्र में दोनों बच्चों के द्वारा खेलने की क्रिया हो रही है, काहे की क्रिया हो रही है, खेलने की। और नीचे के दूसरे चित्रों में तीनों बच्चों के द्वारा नाचने की क्रिया हो रही है, काहे की क्रिया हो रही है, नाचने की। जी हाँ, चलिए अब हम आगे के चित्रों में देखते हैं वहाँ पर कौन कौन सी क्रियाएं हो रही है। जी हाँ बच्चों, अब यहाँ पर देख के बताइए कि ऊपर के पहले चित्र और नीचे के चित्रों में कौन सी क्रिया हो रही है। जी हाँ, ऊपर के पहले चित्र में चिड़िया के द्वारा उड़ने की क्रिया हो रही है, क्या करने की क्रिया हो रही है, उड़ने की। और नीचे के चित्र में बत्तख के द्वारा पानी में तैरने की क्रिया हो रही है, काहे की क्रिया हो रही है, तैरने की। आप सभी भी तालाबों में तैरने जाते हो कि नहीं? जी हाँ, तैरना भी एक क्रिया है, उड़ना भी एक क्रिया है। तो जी हाँ बच्चों, आज हमने जाना कि क्रिया क्या होती है, और आगे की वीडियो में हम इसी प्रकार से शिक्षा प्रद, जिससे आप सभी को रुचिपूर्वक शिक्षा का अर्जन कराया जा सके, हम लेकर प्रस्तुत होंगे। नमस्कार।